और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है कार्ड टोकनाइजेशन को लेकर। जी हाँ, कार्ड टोकनाइजेशन की जिस व्यवस्था को 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अब यह व्यवस्था नए साल की शुरुआत से लागू नहीं होगी। इस खबर की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कार्ड टोकनाइजेशन की जो मियाद है उसको आगे क्यों बढ़ाया गया है, ये डिले क्यों? देखिए, 1 जनवरी से कार्ड टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू होनी थी। रिजर्व बैंक के द्वारा ये कहा गया था, तमाम जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको कहा गया था कि जो डेटा है उनके पास नहीं रखना है और ये टोकन सिस्टम के जरिए जो है पेमेंट शुरू करना था। लेकिन जो छोटे मर्चेंट्स हैं, जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी द्वारा पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई और पिछले कई दिनों से जो है तमाम जो संस्थाएं हैं वो रिजर्व बैंक से गुजारिश कर रही थी कि ये इतना बड़ा एफर्ट है और इसको लागू करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, इसलिए जो है इसकी जो मियाद थोड़ी बढ़ाई जाए। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि अगर मियाद नहीं बढ़ाई जाती तो बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता था, उसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 6 महीने की मोहलत और दे दी और अब जो है जुलाई 2022 से जो है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन लागू होगा। यानी केवल जो बैंक जो आपको कार्ड जारी कर रही है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अलावा किसी के पास भी आपका डेटा नहीं रहेगा और तमाम जो पेमेंट है वो टोकन सिस्टम के जरिए रहेगा, जिससे ग्राहकों का जो डेटा है जो लीक हो जाता था, जिससे कई फ्रॉड की घटनाएं रहती थी, तो अब जो है टोकन सिस्टम का जो मकसद यही था कि उस पर अंकुश लगाना। तो 6 महीने की मियाद दे दी गई है। तो कई सारे जो बड़े प्लेयर्स थे, उबर ओला जैसे बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर दी थी, ग्राहकों को मैसेज भी कर दिया था कि टोकनाइजेशन की मंजूरी के लिए आपको अपना एग्रीगन देना होगा और उसके बाद जो है जो भी आप पेमेंट करेंगे वो टोकनाइजेशन के जरिए होगा। लेकिन अब जो छोटे प्लेयर्स थे, जो छोटे मर्चेंट थे, उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, तो वहां पर देखते हुए सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए रिजर्व बैंक ने 6 महीने की और मियाद बढ़ा दी है। चलिए अनुराग, आपने 2 डिटेल में खबरें तो हमें बता दी यहां पर। पहला तो ये कि ये डिले क्यों हो रहा है और एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या था, मुझे जरा बताएंगे कि जब हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते तो ये जो कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम था किस तरह से हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करता? देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास, एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास HDFC बैंक का वीजा का क्रेडिट कार्ड है और आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अमेजोन पे शॉपिंग करते समय आपको केवल एक OTP आता है क्योंकि कार्ड डिटेल्स आपकी पूरी भरी हुई होती है। तो ये जो कार्ड डिटेल्स है इसका कई बार जो गलत इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन ये कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के बाद अमेजोन के पास आपकी कोई भी कार्ड डिटेल नहीं होगी। ये जो कार्ड डिटेल होगी केवल 2 प्लेयर्स के पास होगी, यानी जो आपका बैंक जो आपको कार्ड दे रहा है और जो वीजा जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर जो है वीजा के साथ अमेजोन को बैकएंड पे करार करना होगा और उस करार के जरिए केवल 4 डिजिट जो है वो अमेजोन के पास जाएंगे और टोकन जनरेट होगा। तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से अमेजोन पे शॉपिंग करने जाएंगे तो अमेजोन के पास आपका जो सारे कार्ड के जो नंबर है वो नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे बैकएंड पे एक टोकन जनरेट हो जाएगा। तो यही जो सुविधा है, यही जो एक टेक्निक है जो रिजर्व बैंक ने लागू करने के लिए कहा था और जिसकी अभी 6 महीने मियाद बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर जो अमेजोन जैसे बड़े प्लेयर थे उनके द्वारा तो करार कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो छोटे प्लेयर थे, जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके द्वारा करार नहीं किया गया, तो उनके जो कस्टमर्स थे वो सफर कर लेते। तो वो 1 जनवरी के बाद अगर ये नियम लागू हो जाते और टोकन जनरेट नहीं हो पाता तो फिर से उन्हें शॉपिंग करते समय वो 16 अंकों का डिजिट डालना होता और वो पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता। तो कस्टमर्स की जो सहूलियत को भी देखते हुए रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। चलिए, तो फाइनली अब हम देखेंगे कि कॉफ्ट यानी कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है, उसके नियम अब 6 महीने की देरी से लागू होंगे। बहरहाल, शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देश में ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है, बढ़ते नए वेरिएंट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में आ गए हैं। देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के 236 मामले पाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 104 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
कोरोना की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में 7495 नए केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है। ये कर्फ्यू क्रिसमस और नए साल के जश्न में भीड़ का जमावड़ा रोकने के लिए किया जा सकता है। वहीं एमपी की, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एक तरफ ओमिक्रॉन तो दूसरी तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया सावधानी के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों में जहां आंशिक लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, तो वहीं भारत में भी सरकारें सतर्क हो गई हैं। केंद्र सरकार पहले ही राज्यों को कोविड नियमों का पालन करवाने का निर्देश दे चुकी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोरोना के खतरे को हल्के में ना लिया जाए, नए पॉजिटिव केसों के साथ ही इसकी वृद्धि दर पर नजर रखी जाए और बचाव के सभी तरीकों का खास ख्याल रखा जाए। ओमिक्रॉन देश के 15 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन का विस्फोट हो गया। यहां बीते दिन ओमिक्रॉन के 34 नए संक्रमित सामने आए। अभी ओमिक्रॉन केसेस के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 तो दिल्ली दूसरे नंबर पर है और यही वजह है कि इन दोनों राज्यों ने सख्तियां बरतने के साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में कहा कि हमें कोरोना से बचने के लिए हालातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हम दोबारा से लॉकडाउन नहीं चाहते। सभी लोग मास्क पहने, साथ ही विपक्षी दल इस मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी से बात करें। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े कदम उठाने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन को लेकर सरकारी सिस्टम को मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही 24 घंटे से भी कम समय में कैसे कोविड रिपोर्ट दी जाए, इस पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट के बाद संदिग्ध लोगों को तुरंत होम आइसोलेशन में भेजना होगा। 15 से 16,000 मेडिकल स्टाफ को मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा गया है और सभी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पहले से ही क्रिसमस और न्यू ईयर पर पाबंदियों का ऐलान कर चुकी है। इस दौरान सोशल गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। पाबंदियों की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली समेत पंजाब और हरियाणा में भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि देश में अभी ओमिक्रॉन से कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर सब थोड़ी सावधानी बरतें और वैक्सीनेशन लें तो ओमिक्रॉन को मात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे सरकारें भले ही कितनी पाबंदियां लगा दें, लेकिन जब तक आप और हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक कोरोना जैसे संक्रमण से निजात मिल पाना संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में हम आपको दो चीजें बता रहे हैं, एक कोरोना जो बढ़ाने वाली है और दूसरा उदाहरण जिससे कोरोना खत्म हो सकता है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में क्यों ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, क्यों करीब 2 साल के बाद भी हम कोरोना को हरा नहीं पाए हैं, तो इस सवाल का जवाब देखिए। ये है दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट। दिल्ली, जहां महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नजारा देखकर लगता है जैसे कोविड है ही नहीं, लोगों के बीच कोरोना का डर जैसे खत्म सा हो चुका है। अब हम आपको एक गांव के बारे में बता रहे हैं। ये गांव है तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले का गुडेम गांव। यहाँ के लोगों ने गांव में 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है।
दरअसल कुछ ही दिन पहले यहां खाड़ी से एक व्यक्ति लौटा और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद गांव के लोगों ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। यहां सख्ती से कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। सरोजनी नगर मार्केट का ये नजारा साबित करता है कि भले ही सरकारें दर्जनों गाइडलाइन जारी कर दें, लेकिन जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और सावधान नहीं रहेगा तो कोरोना जैसी महामारी को हराना मुश्किल ही होगा। ओमिक्रॉन को रोकना है तो हम सबको कोविड नियमों का पालन करना होगा और इसके लिए हमें सरकारों की गाइडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए। देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका में कोरोना की दवा पैक्सलोविड को मंजूरी मिल गई है। क्या है ये दवा? दवा को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं और भारत में कब आएगी ये दवा? इस दवा को लेकर आपके मन में हर सवाल का जवाब देगी ये रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका से गुड न्यूज आई है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना की पहली ओरल दवा को मंजूरी दे दी है। वहीं यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी पैक्सलोविड को लेकर सकारात्मक एडवाइस दी है। इसे कोरोना से गंभीर बीमार लोगों को देने की हिदायत दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पैक्सलोविड है क्या। पैक्सलोविड कोरोना की दवा है। यह कोविड-19 की एक एंटीवायरल दवा है। इसे HIV मेडिसिन रिटोनेविर की हल्की डोज के साथ दिया जाना है। इस दवा का 5 दिन का कोर्स होगा। हालांकि इस दवा को अभी तक इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। अब भारत में इस दवा को लेकर बात करते हैं। भारत में अभी इस दवा को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन भारत में कई ड्रग मैन्युफैक्चरर्स पैक्सलोविड के जेनरिक वर्जन को तैयार करने में जुटे हुए हैं। फाइजर ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ करार किया है। इस करार के तहत दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को इस दवा के प्रोडक्शन के लिए सब लाइसेंस दिया जाएगा। इस करार के जरिए ये दवा 95 देशों में पहुंचेगी। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि इस करार के बावजूद भारत में इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है। अमेरिकी सरकार इस दवा के एक डोज के लिए कंपनी को $500 यानी करीब ₹40,000 देगी। अब भारत में ये दवा कब पहुंचेगी और इसकी क्या कीमत होगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस दवा के आने से कोरोना की लड़ाई जरूर तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर तौर पर एक बड़े राहत की खबर है, एक गुड न्यूज है कोविड के, कोरोना के मोर्चे पर। लेकिन ये कितनी असरदार साबित होगी और क्या वाकई में कोरोना पर हम जीत पा सकेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पारस अस्पताल के श्वास रोग के प्रमुख डॉक्टर अरुणेश कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुणेश, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो ये जो ऐतिहासिक ऐलान हुआ है पैक्सलोविड का, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी अच्छी खबर है मिया। आई थिंक जब एंटीवायरल्स हमारे पास बहुत ही कम थे, जब हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव को देखा, एंटीवायरल्स हर समय में कुछ ना कुछ आए हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारे पास एंटीवायरल आए। इससे पहले फेविपिराविर था, उससे पहले हम लोगों ने रिटोनाविर भी यूज किया था फर्स्ट वेव में जहाँ पे। लेकिन जब एक बार एंटीवायरल आता है उसके बाद फर्दर स्टडीज होती हैं, तो मेजॉरिटी अभी तक बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहे। पैक्सलोविड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक निर्माट्रेलिविर और एक रिटोनाविर, दो चीजें मिली हुई हैं और ये बेस्ड है एक स्टडी को जिसका नाम एपिक HR स्टडी बोलते हैं। बस अभी तक यही एक है जिसके बेसिस पे इसको USFDA ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया। हालांकि अभी ये रेंडमाइज ट्रायल थी, अभी और स्टडी होनी है। लेकिन अभी तक जितनी इसके बारे में पता ये है कि इस स्टडी में दिखाया गया है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड वाले मरीज को ये विदिन 5 डेज ऑफ सिम्टम्स दी जाए तो 88% हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है, जो एक बड़ा नंबर है। हम लोग कोविड में क्या चाहते हैं कि मरीज अगर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में ही ठीक हो जाए, हॉस्पिटल आने की जरूरत ना हो और सीवियर कोविड ना हो, तो ये एक मेजर अचीवमेंट होगी क्योंकि ये हमारा एम होता है कोविड में। बिल्कुल। बट अभी तक के स्टडी के हिसाब से माना जाना चाहिए कि ये कारगर होनी चाहिए। बट एक बार जब ये आए मार्केट में क्लिनिकल यूज के बाद ही और फर्दर स्टडीज के बारे में पता चलेगा कि ऑन बिगर ग्राउंड ये दवाई कितनी कारगर होती है। बट सर, अभी जो रीसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग भी हुई है जिसका जिक्र आपने भी किया बखूबी, मुझे बताइए
कि इसमें ये काम कैसे करेगी, हम आपसे समझना चाह रहे थे क्योंकि आप श्वास विशेषज्ञ हैं। एचआईवी मेडिसिन रेटिनोवीर के साथ के कॉम्पोजिशन के साथ इसका इस्तेमाल होगा, एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा, हम इसलिए समझना चाह रहे हैं क्योंकि अब तक काफी सारी वैक्सीन हम ले रहे हैं, पहली वैक्सीन ली, दूसरी वैक्सीन ली, फिर बूस्टर शॉट की बात हो रही है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि क्या ये एक वन फाइनल सोल्यूशन की तरह काम करेगा, एंड उससे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हाउ डज इट अटैक द वायरस और ये सिस्टम से उसको कैसे पूरी तरह से निष्क्रिय करता है। अच्छा, देखिए वायरस जो है इसका एक प्रोटीन लेयर जिसको हम लोग कोव टू प्रोटीन कवर बोलते हैं, जो कि वायरस का मेन पार्ट होता है। समझो कि वायरस की का न्यूक्लियस है जो मेन पार्ट होता है वायरस का। जो निर्माट्रेलिविर है जो इसकी मेन दवाई है, वो इसके प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है, मतलब इसको कम करता है, जिसके कारण वायरस का ग्रोथ रेप्लिकेशन रुक जाता है। वायरस जब किसी को इन्फेक्शन डालता है तो एक मेजर पार्ट वायरस के साथ होती है, ये रेप्लिकेट करना शुरू होता है, ये अपने नंबर में बढ़ता है। इस रेप्लिकेशन को ये निर्माट्रेलिविर जो है वो रोकती है। रेटिनोवीर निर्माट्रेलिविर के ब्लड लेवल को बढ़ाता है, मतलब इस दवाई को ज्यादा देर तक हमारे शरीर में ये दवाई रहे, इसमें रेटिनोवीर मदद करता है। ये एंटी एचआईवी ड्रग है, लेकिन यहाँ पे इसका काम है निर्माट्रेलिविर के प्रेजेंस को ब्लड में थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करे, ताकि इसका एक्शन सस्टेन्ड हो। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपने पूछा क्या ये वैक्सीन की जगह ले सकता है, आंसर है नहीं। ये दवाई वैसे लोगों के लिए है जिनको कोविड, जिनको सिम्टम्स हैं, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, और जिनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव, और जिनके सिम्टम्स 5 दिन के अंदर में ये दवाई अगर दें तो इसकी कारगर होने की चांस ज्यादा है, इस स्टडी के हिसाब से, एपिकाचार स्टडी के हिसाब से। वैक्सीन का इम्पोर्टेंस है प्रिवेंटिव, ये ऐसे लोगों के लिए है कि उसको अगर एक तो कोविड ना हो कोशिश करें, और अगर कोविड हो तो उसको सीवियर कोविड ना हो, तो ये वैक्सीन का रोल है। तो आई थिंक वैक्सीन का की जगह अभी भी कायम है, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लेकिन चूंकि अब हम लोग ओमिक्रोन में बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का, जहां पे कि ऐसे लोग जिनको कोविड वैक्सीन लगे हुए हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको वैक्सीनेटेड भी है फिर भी कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें इस दवाई पैक्सलोविड का रोल है, खास करके तब जब को माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में हो। सीवियर कोविड में होगा फिर भी इसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर जल्दी, इसे आपके माध्यम से मेरा संदेश होगा कि अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स है, इनको फीवर हो रहा है, सिम्टम्स अबेट नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोविड जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि एज लॉन्ग एज हमें कोविड जांच नहीं होगी, आरटीपीसीआर नहीं होगा, तो हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। नहीं सर, ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि आपको जैसे ही फ्लू के सिम्टम्स दिखे, आजकल तो लोग आमतौर पे फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी समय समय पर अपना आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उनको भी इस तरह के सिम्टम्स, खासतौर से ओमिक्रॉन के, हमने बहुत सारे विशेषज्ञों से बात की और उन्होंने कहा कि सिम्टम्स भी नहीं मिल रहे बट दे आर टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग अगर सतर्क रहेंगे और तुरंत अपना टेस्ट करवा लें तब जब ये दवा आएगी तो ये काफी कारगर साबित हो सकती है। अच्छा सर, मैं ये समझना चाह रही थी, हम नित नए वेरिएंट्स आते हुए देख रहे हैं, ओमिक्रॉन के 2-4 नए वेरिएंट्स की बात हुई, इससे पहले डेल्टा से हमारा सामना हुआ, तो मान लीजिए कि ये दवा अप्रूव हो जाती है, भारत आ जाती है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, तो क्या ये सभी तरह के वेरिएंट्स पे कारगर होगी? देखिए जो स्टडी एपिक एचआर स्टडी है, उस समय में ओमिक्रॉन का पता नहीं था, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टडीज है, प्रीडेट करती हैं, ये तो अभी कुछ हफ्तों में आई है ये ओमिक्रॉन के बारे में पता चला। माना जाना चाहिए कि हम वी होप वेरी मच होप, क्योंकि हर एक जो वेरिएंट होता है उसका प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन उसमें होते ही है, तो मान के चलें कि अगर सिग्निफिकेंट हमारे पास इसकी स्टडी अभी तक नहीं है कि स्पेसिफिक ओमिक्रॉन में ये कितना कारगर होता है, लेकिन अभी फॉर ग्रांट अभी हम लोग सो फार हम लोग मान के चलें कि अगर ये डेल्टा में काम कर रहा है तो ये कुछ आई एम श्योर कि ये थोड़ी सी इफेक्टिव होगी, लेकिन इसका पता तभी चल पाएगा जब इसके बारे में हमें थोड़े से और डेटा मिले, क्योंकि अब ओमिक्रॉन के नंबर्स आपको जैसे पता ही है कि हर जगह यूरोप में बढ़ रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है, भारत में हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े हैं कहीं भी बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ केसेस,
उसके रेशियो में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये दवा जैसे बताया भी गया है, इसका जो USFDA ने बोला है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट के ही केसेस में दिए जाते हैं। तो एक बार जब इस पे यूज होगा तो हमारे पास डेटा आएंगे कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को कितना प्रिवेंट करता है। बट बेस्ड ऑन जो अभी की स्टडी है EPIC-HR, उसमें 88% इन्होंने दिखाया है कि हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है। ओके सर, एक और सवाल, अभी तक तो लगातार कहा जा रहा है कि 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं या बच्चे हैं उनको ये दिया जा सकता है, क्योंकि अभी भारत में बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। अगर इस दवाई का आगमन पहले हो जाता है तो क्या बच्चों को भी ये सेफली एडमिनिस्टर किया जा पाएगा? नहीं, इसकी जो USFDA ने जिसको लाइसेंसिंग दी है वो सिर्फ 12 साल से ऊपर की है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जब तक स्टडी नहीं होगी तो ये बच्चों के लिए अभी रिकमेंडेड नहीं है। ओके डॉक्टर अरुणेश कुमार, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो नई उम्मीद की किरण पैक्सलोविड के जरिए हमारे सामने आई है, उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल 100% इफेक्टिव साबित हो और कोरोना की जो जंग में हम जीत की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें सफलता हासिल हो सके। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी एनालिसिस रखने के लिए। अब आप पर असर डालने वाली एक और अहम खबर का रुख करते हैं, खाने का तेल। जी हाँ, खाने के तेल पर सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कंपनियों को पैकेट पर वाजिब MRP छापने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बावजूद कंपनियों के MRP कम नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। चलिए और इस खबर पर पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जरा बताइए, हमने देखा है खाने की तेलों की ऊंची कीमतों को लेकर सरकार काफी चिंतित रही और बहुत सारे कदम भी उन्होंने उठाए हैं। ये तेल के MRP को लेकर ये इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है और कैसा असर पड़ेगा इसका, जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह से तेल कीमतों को लेकर सरकार एक्शन में आई है, पहले इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की, उसके बाद जो तेल और तिलहन का वायदा कारोबार है उसको रोका गया और अब एक ताज़ा बैठक हुई है खाद्य सचिव की तेल कंपनियों के साथ, जिसमें साफ तौर पर ये बात तेल कंपनियों को कही गई है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद खाने के तेल के दाम जो कम हुए हैं वो MRP में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। मतलब ये कि वो कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं हो पा रहा है, कंज्यूमर तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है और ये नाराजगी जताई है खाद्य सचिव ने और ये कहा है तेल कंपनियों से कि आप MRP कम करें। और उसके बाद जब ये बात कही गई तो एक ऑयल इंडस्ट्री का एक बड़ा संगठन है SEA और SEA ने अपने सारे मेंबर्स को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जल्द से जल्द MRP को कम किया जाए, क्योंकि MRP का पूरा मामला ये है कि जब MRP तय होती है और जो एक्चुअल प्राइस मार्केट में होता है उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। मान लीजिए अगर किसी तेल की MRP 200 रुपये प्रति लीटर है तो कहीं पर वही तेल 180 में आपको मिल जाएगा, कहीं पर उस आपको 150 में मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा अंतर है MRP और एक्चुअल प्राइस के बीच। और इसी को गंभीरता से लेते हुए ये बात कही गई है कि इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, MRP आप कम करें और MRP और एक्चुअल प्राइस के बीच गैप को कम करें, ये बात तेल कंपनियों को कही गई है। और हमें एक बहुत बड़ी जानकारी अभी तुरंत मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी, कि तेल कंपनियां इस पर सहमत हो गई हैं। ज्यादातर तेल कंपनियों ने कहा है कि जो पहले गैप MRP और एक्चुअल प्राइस के बीच करीब करीब 40 रुपए का होता था उसको कम करके अब 10 रुपए करने के आसपास सहमति बन रही है। तो मतलब ये कि जल्द कंज्यूमर के लिए इस खबर का मतलब ये है कि जल्द से जल्द जो भी आप अगर किसी ऑयल की MRP आपको 200 या पौने 200 रुपए दिख रही है तो उसमें आपको भारी कटौती अगले कुछ दिनों में दिख सकती है। मतलब ये कि आपके लिए खाने के तेल के दाम और कम हो सकते हैं जिसका फायदा कंज्यूमर को साफ तौर पर मिल सकता है। चलिए शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर की एनालिसिस देने के लिए। मतलब साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि नए साल में आपको और जो आपके किचन का बजट भारी था उसमें आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अक्सर आप सरकारी सेवाओं का User ID और पासवर्ड भूल जाते, होता है हमारे साथ भी होता है, लेकिन अब इससे राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाली है जहां किसी भी यूजर को सिर्फ एक जगह लॉगिन करना होगा और उसे सभी सर्विसेज वहीं की वहीं मिल जाएंगी, यानी कि हर व्यक्ति नेशनल डिजिटल प्रोफाइल होगा। इससे आपको कई सारे पासवर्ड याद रखने से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस खबर की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, सबसे पहले तो बताइए कि ये वेबसाइट जो है
वो एग्जैक्टली है क्या, पूरी डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, ईज ऑफ लिविंग को लेकर सरकार लगातार सजग है और सरकार ने कई सारे कंप्लायंस बर्डन हटाए हैं। मसलन 25,000 से ऐसे गैर जरूरी नियम कानून हैं जो सरकार ने अभी तक खत्म कर दिए हैं और फेज टू में सरकार अब इस बात पे काम कर रही है कि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी जो फॉर्मेलिटीज हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जिन जिन नियमों से या जिन जिन कागजों से जूझना पड़ता है, फाइलों में अपने आप को खोजना पड़ता है, उनसे उनको बचाया जा सके। और इसीलिए सरकार ने एक नया वेब पोर्टल डिजाइन किया है और जल्दी इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इस नए पोर्टल के जरिए सरकार चाहती है कि कंप्लायंस के सारे बर्डन खत्म हो जाएं और एक सिंगल क्लिक के साथ ही एक सिंगल पोर्टल पे जितनी भी सरकारी, चाहे वो राज्य सरकार की सुविधाएं हो या केंद्र सरकार की सुविधाएं हो, वो सब उनको एक पोर्टल पे मिल जाए। जी अच्छा, एक आम आदमी के लिए एग्जैक्टली इस वेबसाइट से कितनी राहत की बात होगी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर हमको एक साथ कई सारे सरकारी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए मुझे आवेदन करना है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, राशन कार्ड के लिए या किसी और योजना के लिए, तो उसमें एक ही चीज़ के लिए बार बार मुझे फॉर्म फिल करना होता है और हर बार एक ही डिटेल देनी पड़ती है, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरे उम्र का जो सर्टिफिकेट है वो क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा रेजिडेंस प्रूफ क्या है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरा पैन नंबर क्या है। तो सरकार इस पोर्टल के जरिए एक सिंगल क्लिक के साथ ही एक प्री फिल्ड फॉर्म जारी करेगी जिसमें मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा, उन सारे जो ऑप्शंस हैं मुझे उस पर क्लिक करना है और उसके साथ ही वो सारा कुछ, क्योंकि वो आधार और AI इनेबल्ड है तो एक साथ वो ऑथेंटिफिकेशन भी उसका हो जाएगा और सारे आवेदन एक साथ चले जाएंगे। मतलब एक सिंगल क्लिक के साथ हम चाहेंगे तो सरकार की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। सरकार चाहती है कि हमको जो भी प्रमाण पत्र जारी करने हैं उसको एक सिंगल क्लिक के जरिए लोगों को मुहैया कराएं ताकि फाइलों में जूझने और ऑफिस घूमने का जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो एक साथ एक ही क्लिक के साथ मुझे मिल जाएंगे, यानी कि सरकार उसको एक महाप्रमाण पत्र और एक महापोर्टल का नाम दे सकती है। जी चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO की पूरी डिटेल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको लेकर जाएंगे मेटा की दुनिया में। इंडोर सही, आउटडोर सही, कैसा भी कहीं भी फ्लोर सही, इंडिगो पेंट्स जो फ्लोर पे इतने प्यारे रंग भरता है, तो फिर सोचो ये वॉल्स पे तो कैसा कमाल कर सकता है, इंडिगो पेंट्स जो वॉल पे हो तो हम भी कहे और तुम भी कहो, इंडिगो पेंट्स वाह वाह, इंडिगो पेंट्स वाओ। फ्लोर के लिए इंडिगो फ्लोर पेंट, वॉल्स के लिए इंडिगो इमल्शंस। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो, सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 rupees पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी, यू कैन ट्रस्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे जहां उन्होंने करीब 27 योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद थे। वाराणसी में पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा था और इस बार भी वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। विश्वनाथ की काशी और पिछले 10 दिनों में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा, हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री ने भी काशी को निराश नहीं किया। उन्होंने अमूल प्लांट समेत 2,095 crore की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में किसान आए थे। प्रधानमंत्री ने किसानों का अभिवादन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद किया। पूजनीय है आज का दिन, इतिहास भी विशेष है,
और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गाय को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने की भी अपील की। आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है, ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने कभी नहीं चाहा कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता। भारत माता की। यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री न सिर्फ यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं बल्कि काशी के विकास मॉडल की बात भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में चुनाव नजदीक है और अब यहाँ अयोध्या का मुद्दा उठा है। जी हाँ, इस बार मामला राम मंदिर का नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े जमीन घोटाले का है और कांग्रेस नेता इसको लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और सियासत की रफ्तार तेज। एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्म है, लेकिन इस बार विपक्ष ने राम मंदिर को नहीं बल्कि अयोध्या में जमीन घोटाले को मुद्दा बनाया है। यानी बीजेपी को राम मंदिर का फायदा ना मिले इसके लिए विपक्ष ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े जमीन विवाद के बहाने बीजेपी को घेरा है। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है तो... कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मंदिर जमीन की खरीद मामले में बीजेपी सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। प्रियंका वाड्रा ने जमीन के दोनों सौदों में एक ही गवाह के होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की नहीं बल्कि पीएम मोदी तक जाती है। यूपी की चुनावी रेस में बने रहने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति में धार देते हुए अयोध्या को मुद्दा तो बना रही है लेकिन इसे जमीन विवाद से जोड़कर बीजेपी को बैकफुट पर रखने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अयोध्या जमीन विवाद को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी विपक्ष के इन हमलों को राम मंदिर निर्माण से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के पास बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों और सरकारी अधिकारियों के कथित रूप से जमीन हड़पने के आरोप की जांच के लिए एक जांच कमेटी बना दी है। राजस्व विभाग मामले की जांच करेगा और 7 दिन में रिपोर्ट भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक दिन पहले आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था लेकिन अब उनके सुर बदलते नजर आ रहे हैं। हरीश रावत अब आलाकमान के खिलाफ नरम पड़ते दिख रहे हैं और अपने ट्वीट्स के लिए अब ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने लगे हैं। मेरे ट्वीट का नोट आ जाएगा, उसमें मैं बातें ट्वीट के जरिए कही हैं, उस पर मैं अलग से कभी बात करूंगा। एक दिन पहले पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत के सुर दिखाने वाले हरीश रावत के तेवर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। पहले ट्वीट के जरिए पार्टी आलाकमान पर सवाल उठा रहे थे
अब उसी ट्वीट के सहारे पूरे विवाद का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। हरीश रावत ने ट्वीट किया, मेरा ट्वीट रोजमर्रा जैसा ही ट्वीट है, मगर आज अखबार पढ़ने के बाद लगा कि कुछ खास है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मेरा ट्वीट पढ़कर बड़ी मिर्ची लगी है और इसलिए बड़े नमक मिर्च लगाए हुए बयान दे रहे हैं। हरीश रावत का मिजाज यूं ही नहीं बदला, बल्कि उनसे प्रियंका गांधी ने बात की। अब क्या बातें हुई इसकी आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, मगर रावत के ढीले पड़ते तेवर को देखकर लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व हरीश रावत को मनाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस पूरे विवाद पर पानी डालने की कोशिश भी कर रही है, पूरे विवाद के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। सबसे पूरे देश और एक नया ट्वीट और आया है जिसमें श्री हरीश रावत एक राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि शायद कांग्रेस टूटने की ओर बढ़ रही है। प्रदेश के पार्टी प्रभारी देवेंद्र यादव भी उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को रोकने के लिए सक्रिय हो गए। साथ ही उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को दिल्ली भी तलब किया गया। शुक्रवार को हरीश रावत, उत्तराखंड के नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य और किशोर उपाध्याय दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पार्टी नेतृत्व से नाराज हरीश रावत ने राजनीति से ही संन्यास लेने के संकेत दे दिए थे और खबर ये भी आ रही थी कि इसका ऐलान वो जनवरी के पहले हफ्ते में कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व के संज्ञान लेने के बाद आगे क्या होगा, इसका फैसला दिल्ली में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना काल में अगर आप किसी जगह की सैर करना चाहते हैं तो मेटावर्स इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। जी हाँ, दरअसल ट्रैवल इंडस्ट्री ने ट्राई बिफोर यू बाय की एक व्यवस्था लाई है। इसके तहत आप मेटा के जरिए पहले होटल का वर्चुअल टूर कर सकते हैं और फिर पसंद आए तो बुकिंग कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ट्राई बिफोर यू बाय, कोविड काल में अपने बिजनेस की डूबती नैया बचाने के लिए ट्रैवल इंडस्ट्री वर्चुअल टूर पैकेजेस लेकर आई थी। इसके लिए बनी 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी फिल्म्स भी, यानी कि वीआर गियर पहनिए और दुनिया के किसी भी कोने की सैर पर निकल जाएं। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल आइडिया है। जी हाँ, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप कोई 3D, 4D, 5D फिल्म देखने जाते हैं तो आपको एक स्पेशल चश्मे दिए जाते हैं, गैजेट्स दिए जाते हैं ताकि आप सर्दी के वक्त सर्दी महसूस करें, फिल्म में गर्मी हो रही है तो आप गर्मी महसूस करें। ठीक वैसे ही इस फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल में आप फ्लाइट्स, होटल्स, कोई भी शहर या देश पहले वर्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के साथ एक्सपीरियंस करें और अगर पसंद आता है तो ही बुक कीजिए और असल में पैसे खर्च कीजिए। वर्चुअल रियलिटी के बाद अब अगला कदम है मेटावर्स, यानी कि एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां पर लोगों के डिजिटल अवतार सोशलाइज करेंगे, काम करेंगे और एक अलग लाइफ जिएंगे। ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज अब इसमें निवेश करना शुरू हो गई हैं। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल में 15 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। दूसरी कंपनी एयरबस भी डेटा और टेक की मदद से ऐसे हवाई जहाज बनाने वाली है जिससे कि फ्लाइंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो। इंटरनेशनल होटल चेन मैरियट बॉनवॉय ने भी हाल ही में अपने डिजिटल सफर की शुरुआत की है। दुनिया भर में बड़े बड़े होटल्स अब टूरिस्ट को लुभाने के लिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का सहारा ले रहे हैं। ये भी देखा है कि पैंडेमिक के दौरान किस तरह से टेक्नोलॉजी को काफी बूस्ट मिला है पूरे सेक्टर में, खास तौर पर टेक्नोलॉजीज जैसे कीलेस कॉन्टैक्ट एंट्री, रोबोट हाउसकीपिंग, क्यूआर कोड मेन्यू जैसी काफी सारी टेक्नोलॉजीज चलन में आई हैं। तो उस हिसाब से वर्चुअल रियलिटी भी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल और एक्सप्लोर किया जाए तो काफी मददगार साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है कि मेटावर्स दुनिया टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक पैरेलल दुनिया होने वाली है। इस दुनिया में ट्रैवल शुरू होने से लोग ऐसी जगहें भी घूम सकते हैं जो एस्पिरेशनल हो, मुश्किल हो, जहां ट्रैवल करना मुश्किल हो या जेब से बाहर हो।
इससे फायदा ये कि अगर वर्चुअल दुनिया में आपको ट्रैवल अपीलिंग लगे तो ही रियल दुनिया में एक्सपीरियंस कीजिए और पैसे खर्च कीजिए। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। चलिए इंडिया 360 डिग्री में अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मार्केट में आज कहां रहा एक्शन और कल कहां रखी जाए नजर। यार मत पूछ यार, फिर से स्टॉक्स में फंस गया। तो स्टॉक्स के साथ बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, गोल्ड में बैलेंस कर। इसमें बहुत तामझाम है। तुझे फाइव पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है फाइव पैसा है ऑल इन वन अकाउंट। डाउनलोड फाइव पैसा नाउ। अब तो सबको पता है फाइव पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Galant Advanced TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। Galant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। आपने घर को प्रोटेक्ट नहीं किया? जी मैंने घर पे लैमिनेशन वाला पेंट लगवा दिया। एशियन पेंट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट। दैट्स सो स्मार्ट। आपकी शादी इसी घर से होगी। लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट एशियन पेंट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट। बारिश, धूप और धूल को आने दो। चलिए अब बात करते भारतीय शेयर बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज अच्छी तेजी दिखी। इनफैक्ट आज तेजी का हैट्रिक लगा है। बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त लेकर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 321 अंकों की बढ़त के साथ 57,251 पर यह खुला। इसने दिन में 57,490 का ऊपरी स्तर छुआ। निफ्टी ने भी आज कारोबार के दौरान 17,118 का ऊपरी स्तर बनाया। रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी सहित सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में आज हरियाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स जहां 385 अंक चढ़कर 57,315 पे बंद हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 117 अंक जोड़ने में कामयाब रहा और इसकी क्लोजिंग हुई है 17,072 के स्तर पर। तो मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जरा बताइए कि आज जो स्ट्रेंथ देखने को मिली किन इंडाइसेस या स्टॉक्स के दम पर प्राइमरीली दिखी है? देखिए लगातार तीसरा दिन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है और अच्छी बात यह है कि चार दिनों के बाद आज निफ्टी 17,000 के ऊपर बंद हुआ है और लगातार दूसरा दिन है जब बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर बंद हुआ है। और हो भी क्यों ना, सबसे बड़ी मदद मिल रही है ग्लोबल मार्केट से। वहाँ अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है और जाहिर सी बात है फाइजर की जो मेडिसिन मिली है कोविड के लिए उसका भी थोड़ा बहुत असर देखने मिला, जिसके चलते आज अच्छी खासी तेज़ी जो है ग्लोबल मार्केट्स में थी उसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने मिला। विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं लेकिन जो क्वांटम था बिकवाली का वो थोड़ा कम हुआ है, तो उससे भी काफ़ी हद तक मदद जो है भारतीय बाजारों को मिली है। रुपया भी संभला है और जाहिर सी बात है लगातार गिरावट के बाद काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए थे तो वहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो अक्रॉस सेक्टर तेज़ी हुई है। मिड कैप, स्मॉल कैप, दिग्गजों में सब जगह तेज़ी हुई है लेकिन निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, ITC, सिप्ला, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो FNO में बिरला सॉफ्ट, शोला इन्वेस्टमेंट, जुबिलेंट फूड, इंटरग्लोब एविएशन जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पे खरीदारी हुई है। आज की लिस्टिंग मेट प्लस हेल्थ बेहतरीन लिस्टिंग हुई है और हरे निशान में बंद हुआ है। इसके अलावा फाइजर जो कोविड के लिए दवा को अप्रूवल मिला है US में, उसका इम्पैक्ट फाइजर इंडिया के स्टॉक में भी देखने मिला। गति और रेडिको कहतान ये दो काउंटर्स और थे जिनमें अच्छी खासी तेज़ी हुई है। खबरों के चलते बायोकॉन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई सुबह सुबह उसके बाद देखिए स्टॉक में दिन भर एक्शन देखने मिला। MMTC नीलाचल इस्पात के लिए जो बोलियाँ लगाई जाएगी उसके चलते इस काउंटर में तेज़ी देखने मिली। टारसन्स वैसे तो आज जो एंकर इन्वेस्टर का एक महीने का लॉक इन था वो खत्म हो रहा था लेकिन देखिए निश्चित तौर से अच्छी खासी रिकवरी आई और जी शिपिंग में भी खबरों के चलते बेहतरीन तेजी थी। जिन काउंटर्स में दबाव था उसमें डीवीज लैब, JSW स्टील, मेट्रोपोलिस, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे दबाव देखने मिला लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज था और लगातार तीसरे दिन है जब भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं।
चलिए तो भारतीय बाजारों के लिए तो बहुत बेहतरीन दिन साबित हुआ है। देख लेते कि अमेरिकी बाजार जो कुछ समय पहले ही खुले हैं वहां पर कैसा एक्शन दिख रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ ही नजर आ रही है। दरअसल आज वहां पर जो आर्थिक आंकड़े आए वो कोई बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं थे। बावजूद इसके आज हमने देखा कि डाउ जोन्स की बात कर ले 240-250 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ उसमें शुरुआत होते हुए दिखी और अभी भी देख रहे हैं 180-190 अंकों की बढ़त बरकरार है। नैसडैक और S&P पर भी नजर डालें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं 50 अंक और 30 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मजबूती ऐसे समय में दिखाई दे रही है जब क्रिसमस की छुट्टियां और नए साल की छुट्टियों पर ये वेस्टर्न मार्केट्स चले जाते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग बात है, अच्छी बात है हमारे मार्केट्स के लिए भी। चलिए तो कल बाजार में किस प्रकार का रुख रहने वाला है, क्योंकि आज लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन हमारे मार्केट्स ने तेजी की हैट्रिक लगाई है। कल की क्या तैयारी हो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ट्रेड्स फिफ्थ ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। संदीप जी गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। संदीप जी एक और बेहतरीन सत्र रहा है और अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे ही संकेत मिल रहे हैं, तो जरा बताइए कल क्या उम्मीद की जाए, हफ्ते का अंत और क्रिसमस से पहले एक और तेजी वाला सत्र रह सकता है? देखिए तेजी एक बार हो सकते है कि सुबह खुलने पे तेजी बने, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा बेरिश साउंड करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 17,150-200 एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो कि एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है। बट ओवरऑल FIIs की बहुत जो सेलिंग थी कंटिन्यूस सेलिंग वहां पे कमी आई और कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में थोड़ी बहुत तेजी भी करते हुए दिखे हैं। और आज ब्रॉड बेस्ड एक रैली थी और आज स्मॉल कैप्स मिड कैप्स सारे स्टॉक्स में तेजी का माहौल बना हुआ था। सेक्टर वाइज काफी तेजी थी और इवन FMCG भी अच्छा कर रहे थे, IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, इवन मिड कैप IT स्टॉक्स डिड वेरी वेल, ऑटो इंसिलरीज में तेजी थी। सो मुझे लगता है कि माहौल एक तेजी का है एंड फिर भी थोड़ा कॉशियस है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो भी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। सो जो इजी मनी और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो तो सर्टेनली नहीं है और काफी अब सिस्टमैटिक अप्रोच से ही पैसा बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। ये भी एक क्लियर हो गया कि नीचे का जो डाउनसाइड है वो 16,800-900 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड, एक शॉर्ट रेंज जो है 16,200-300 से लेकर 17,200-300 ये रेंज में हो सकता है, एक वॉलेटिलिटी के साथ घूमे। ओके चलिए तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा और एक दायरे में कारोबार करने का मौका जरूर मिलेगा। शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले दिन की एक झलक हमारे दर्शकों को आज देने के लिए। चलिए अब बात रुपए की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी जो मजबूती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज लगातार चौथा दिन था जब रुपए ने डॉलर के मुकाबले तेजी और अच्छी तेजी दिखाई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 75.23 रुपए के स्तर पर तकरीबन 30 पैसे की बढ़त बनाकर बंद होने में कामयाब रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि रुपया एक डॉलर के मुकाबले, ये मैं पिछले दिन की बात कर रही हूँ, बुधवार को जिसकी क्लोजिंग हुई थी वो 75.55 रुपए के पास हुई थी, तो तकरीबन 30 पैसे की स्ट्रेंथ लेकर बंद होने में कामयाब रहा है। रुपए को US डॉलर इंडेक्स में गिरावट और घरेलू इक्विटीज में जो मजबूती देखने को मिली उसका दोहरा फायदा मिला है। चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस की सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरे करने पर अपनी माँ का पारिवारिक नाम इस्तेमाल करने की आजादी होगी। यानी कि ये बच्चों का फैसला होगा कि उन्हें अपने नाम के आगे पिता का सरनेम जोड़ना है या माँ का। आमतौर पर बच्चे अपने पिता के सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। शादी के बाद महिला की पारिवारिक पहचान कहीं खो जाती है, लेकिन अब फ्रांस में बच्चे अपनी मां का फैमिली नेम भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार इसके लिए कानून लाने जा रही है। इसके तहत 18 वर्ष के होते ही बच्चे बिना किसी परेशानी के अपना फैमिली नेम बदल सकते हैं। नए कानून के बाद नागरिक अपने पिता के परिवार का नाम रखने, अपनी मां के परिवार का नाम लगाने या दोनों रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।
वैसे फ्रांस में लोगों को पहले से ही अपना फैमिली नेम बदलने की आजादी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। उन्हें ऐसा करने के लिए कानून मंत्रालय को ठोस कारण बताना होता है। नया कानून इस प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात अफगानिस्तान की, जिसमें तालिबानी की वापसी के बाद लाखों लोगों की नौकरी छिन चुकी है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के पत्रकार भी बेरोजगार हो गए हैं। तालिबान शासन आने के बाद यहां करीब 231 मीडिया आउटलेट बंद हो गए हैं, जिससे 6000 से ज्यादा पत्रकारों ने नौकरी गंवा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 60% पत्रकार और मीडिया कर्मी अब काम नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मीडिया आउटलेट्स में हर 10 में से केवल 4 मीडिया कर्मी अभी काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन नाइजीरिया में 10 लाख वैक्सीन की डोज को नष्ट कर दिया गया है। नाइजीरिया सरकार का कहना है कि विकसित देशों ने कोरोना वैक्सीन को खरीद कर जमा किया था। जब ये वैक्सीन खराब होने वाली थी, तब दूसरे देशों ने इसे नाइजीरिया में दान किया। उस दौरान नाइजीरिया के 20,60,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज थी, लेकिन 1 मिलियन वैक्सीन की डोज एक्सपायर हो गई थी, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही नाइजीरिया ने फरवरी तक 1/4 से अधिक आबादी का टीकाकरण करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है। बात चीन की, जहां के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सूरज से भी ज्यादा ऊर्जा हासिल करने का दावा किया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर इसे असली सूरज में बदला जा सका तो यह मौजूदा सूरज से 13 गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। इसे लेकर कई सालों से चल रही ये रिसर्च हाल ही में पूरी हुई है। चीन का ये प्रोजेक्ट साल 2006 से चल रहा था। चीन ने इसका नाम HL2M दिया है, जिसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है।